So hi everyone and welcome to UPSCpedia again. So are you still confused that what should be the strategy for mains? क्या आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली है, एक एक घंटे की, दो दो घंटे की वीडियोस आपने देख ली है एंड इवन देन आपको ये समझ नहीं आ पा रहा है कि स्ट्रैटेजी अभी आने वाले मेन्स के लिए आपकी क्या होनी चाहिए, राइट? सो दिस वीडियो गाइज इज फॉर यू, जिसमें मैं आपके दो से तीन मिनट लूंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इस बात पे चलना चाहिए फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन, राइट? तो देखो मेंस एग्जामिनेशन मैंने आपके तीन पार्ट में डिवाइड करा है, एसए, जीएस एंड ऑप्शनल। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड गाइस। देखो मेंस की स्ट्रेटजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हमें समझ ही नहीं आ रही है, बहुत सिंपल सा तरीका है मेंस की तैयारी करने के लिए। ऑफकोर्स मेंस की तैयारी तो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे या और कर लोगे इस दो तीन महीने में, बट द आइडिया इज व्हाट शुड बी द करेक्ट स्ट्रेटजी फॉर द मेंस, राइट? तो तीन पार्ट में मैंने आपके मेंस को डिवाइड किया है। नंबर वन है एसए, नंबर टू जीएस 1 2 3 4 एंड नंबर थ्री इज ऑप्शनल। पहले अगर मैं एसेज की बात करूं तो एसेज की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, इवन इफ अगर अभी तक आपने कुछ भी लिखा नहीं है तो भी इन तीन महीनों में आपकी प्रिपरेशन हो सकती है, बट प्रोवाइडेड दैट यू गाइज आपको एक्शन लेना पड़ेगा, राइट? सो अगर मैं एसे की बात करूं तो ज्वाइन एनी गुड टेस्ट सीरीज, कोई भी एक अच्छा टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, चाहे कोई भी हो। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू टू ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज, बिकॉज टेस्ट सीरीज से फायदा ये होगा कि आपको फीडबैक्स मिल पाएंगे एंड फीडबैक इज रिक्वायर्ड, राइट? आप लिखे जा रहे हो, अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, तो फीडबैक इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू टू जॉइन एनी गुड टेस्ट सीरीज जो भी आपके आसपास घर के हो, राइट? और हफ्ते में एक या दो ऐसे इज इनफ, इससे ज्यादा आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में आप एक या दो ऐसे लिखो, दैट इज इनफ, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? और यहाँ पे मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा रिगार्डिंग फिलोसफिकल एसेज, जो आपके फिलोसफिकल एसेज आते हैं उसके बारे में मैं आपको एक चीज कह दूं कि वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नेचर का लिखना चाहिए। जब भी आप लिखो तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, राइट? सो दिस इज रिगार्डिंग एसे, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ टॉकिंग अबाउट जीएस 1 2 3 एंड 4, अगेन वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, ज्वाइन एनी गुड टेस्ट सीरीज, ठीक है? कोई भी परेशान होने की इसमें बात नहीं है, रिविजन तो आपका चल ही रहा है, साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। अब यहाँ पे एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो वो पूरा पूरा पेपर एक दिन में लिखवाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा। एक्चुअली यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर यूटिलाइजिंग इट, बिकॉज एक एक क्वेश्चन करके लिखोगे ना, सो दैट इज नॉट यूजफुल। जब तक आपके पास बिल्कुल मेन्स एग्जामिनेशन वाला माहौल नहीं बनेगा तब तक यू वोंट बी एबल टू राइट गुड आंसर्स। पूरा पेपर एक बार में लिखना होता है, एक दो क्वेश्चन लिखने से कोई फायदा नहीं है, एंड दैट इज वाई आई एम सेइंग यू टू ज्वाइन एनी गुड टेस्ट सीरीज जो कि आपके घर के आसपास अवेलेबल हो। And this is for all the GS. Now talking about GS 4, उसमें थोड़ी सी आप अलग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हो, because in that case you have to study certain case studies as well. और यहाँ पे मैं आपको एक नाम लेना चाहूंगा, this is not a promotion, but yes, लुकमान IAS. लुकमान IAS का जो content है ethics का, that is quite good. This is not a promotion, strictly I am saying this. But yes, अगर कोई अच्छी चीज है तो उसकी तारीफ करने में कोई खराबी नहीं, right? तो जीएस में अगेन यू कैन डू द दिस थिंग, यू कैन जॉइन द टेस्ट सीरीज। राइटिंग बेसिकली आपको लिखना है, जितना लिखोगे, जितना अच्छे से लिखोगे उतना ज्यादा आपका अच्छा मेंस जाएगा। और एक चीज और होती है कि आपको एग्जामिनेशन के वक्त सोच कर नहीं लिखना है, सोचते हुए लिखना है। तो जिस दिन आप सोचते हुए लिखने की स्ट्रैटेजी सीख गए, उस दिन आपका मेंस का जो पेपर है वो कंप्लीट भी होगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट ऑप्शनल, तो देखो ऑप्शनल के लिए तो आंसर राइटिंग का बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, बट यस I would request you to focus on the revision, क्योंकि revision of course आपने optional छोड़ रखा होगा काफी time से, तो revision करो। और yes, optional में ये चीज देखी जाती है कि previous year question एक आधे उठ के आ जाते हैं, तो previous year paper पे भी एक बार ध्यान, ठीक है? और answer writing की practice तो आपकी इधर चली रही है। So this is the simple strategy that you guys can follow for the upcoming 2 or 3 months before the mains examination। और ज्यादा confused होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ideas लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्शन करने की जरूरत है। जब तक एक्शन नहीं करोगे, देखो सिर्फ थॉट आने से, कुछ आइडियाज आने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, उसको एक्शन में कन्वर्ट करो, ओनली देन इट वुड यील्ड द रिजल्ट। ऑलराइट, सो आई होप द स्ट्रेटजी इज क्लियर। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।